फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बॉस का डिशवॉशर का रिव्यू बताने जा रही हूँ। ये डिशवॉशर मैंने लगभग 6 महीने पहले खरीदा था 32 या 33 हजार रुपए में, और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूं और आपको बताऊं, आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूं कि ये आखिर कैसा है, किस तरह से काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और फायदे ये हैं कि खाना तो हमारे घर में रोज बनता है, बर्तन में हम लोग रोज खाते हैं, बर्तन गंदे होते हैं, फिर उतना साफ करना हाय बहुत डिफिकल्ट होता है, लगता है कि इतने बर्तन कौन साफ करेगा, क्योंकि काम वाली तो आजकल लॉकडाउन में हम लोग बुला नहीं रहे हैं अपने घर में। और ये चीज तो बहुत लोगों के साथ है कि काम वाली आजकल उनके घर में नहीं आ रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा रहेगा कि मैं भी एक डिशवॉशर ही ले लूं, जिससे कि मेरे बर्तन भी सारे साफ हो जाएं। और हाँ, एक चीज है कि बर्तन बहुत ही क्लीन निकलते हैं और सैनिटाइज निकलते हैं, गर्म पानी में धुल के निकलते हैं, तो सैनिटाइज तो जरूरी होता है अच्छे से। इसलिए मैंने जब इसको 6 महीने लगभग यूज कर लिया है तो मैंने सोचा क्या कि मैं आप लोगों को इसका रिव्यू बताऊं और आप लोगों को ये बताऊं कि ये कैसे यूज होता है, अंदर का लुक कैसा है, इसके फीचर्स क्या है, ये सब मैं आपको बताऊं। और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो चलिए मैं आपको अपना डिशवॉशर दिखाती हूँ। तो ये है हमारा बॉस का डिशवॉशर। देखिए यहाँ पे बॉस का लोगो भी दिया हुआ है। ये ऑन ऑफ बटन है, ये स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जिसे कि आप साफ कर सकते, आप दिखा ये चूज कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्विक सेलेक्ट करना है या रिंस प्री रिंस सेलेक्ट करना है या ऑटो या एक्सप्रेस स्पार्कल है या इंटेंसिव कढ़ाई, अगर आपके कढ़ाई बहुत ही गंदे हो चुके हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसके सारे जो ऑप्शंस हैं, मैं कैमरा को पास में लाके आपको सारे ऑप्शंस दिखाती हूँ। ये देखिए सारे ऑप्शंस, इंटेंसिव कढ़ाई, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, इको, क्विक और प्री रिंस। ये है ऑन ऑफ बटन और ये है आपका स्टार्ट बटन। तो मैं आपको इसके अंदर का दिखाती हूँ। ये ऐसे खुलता है, इसको यहाँ पे खोलने का है, इसको हम लोग ऐसे खोलते हैं और खोल के ये देखिए, ये अंदर में ये ट्रे है, अंदर में ये ट्रे है जिसमें कि हम लोग सारे बर्तन यूटेंसिल्स इसमें हम लोग रखते हैं। ये नीचे का, इसमें दो ट्रे है, ये नीचे का है और इसको आप फिक्स कर सकते हैं अपने बर्तन के साइज के हिसाब से। फिर इधर ये ऐसे इसमें सर्फ देने के लिए है, ये ऐसे खोलिएगा तो इसमें आप सर्फ दे सकते हैं और फिर इसको ऐसे लगा देने का है। फिर इसमें आप लिक्विड वॉश डाल सकते हैं। मैं अब इसमें सारे बर्तन डालूंगी और फिर उसको वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा वॉश करता है। तो मैं इसको वापस से खोलती हूँ और इसमें एक एक करके सारे अपने सारे बर्तन इसमें डालूंगी। इसमें ये याद रखिएगा कि आप जितने भी बर्तन डालते हैं वो ऐसे नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि इसमें ही पानी रह जाएगा आप जब धोइएगा, तो इसलिए इसको पलट के डालना है। आप कढ़ाई देख लीजिए ये कितनी गंदी है मेरी, क्योंकि मैंने इसमें नूडल्स बनाया था। मैं इसमें ये कढ़ाई डालती हूँ। ये दूध का बर्तन है जो मैं डालूंगी।
दोस्तों देखिए मैंने सारे बर्तन इसमें लोड कर दिए हैं। इसमें सब तरह के बर्तन जा सकते हैं, स्टील के या आपके बोन चाइना के कोई भी, या नॉनस्टिक बर्तन भी डाल सकते हैं। सारे प्लेट्स मैंने ऐसे डाल दिए हैं। स्पून को डालने का के लिए ये जगह है, क्योंकि मेरे पास बस एक स्पून जूठा था इसलिए मैंने एक ही स्पून डाला है। तो मैं इसको ड्रैग करके अंदर डालूंगी। इसमें मैं लिक्विड डालूंगी। इसका एक स्पेशल सर्फ आता है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगी। आप अमेजोन में भी मिलता है, वो आप ले सकते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है। इसमें मैं क्विक वॉश सेलेक्ट करूंगी जो कि 29 मिनट्स का है, और यहां से मैं स्टार्ट बटन लगाऊंगी। आप इसके धुलने का आवाज सुन सकते हैं, आवाज आएगा आपको। पहले ये पूरा पानी लेता है और उसके बाद फिर ये क्लीनिंग करना शुरू करता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में होता है। जैसे ही ये साफ हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये 0 मिनट पे आ गया है, मतलब इसने सारा बर्तन साफ कर दिया है। इसको अब मैं एक बार ऑफ करके स्विच ऑफ किया है मैंने, अब मैं इसको खोलूंगी। और देखिएगा ये बहुत ही गर्म होता है, इसलिए ध्यान से इसको खोलिएगा आप लोग। बर्तन बहुत ही गर्म है, ये देखिए ये कैसे साफ हो चुका है। बर्तन बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, लेकिन सफाई देखिए इसने कितनी अच्छी की हुई है। मैं आपको कढ़ाई भी दिखाती हूँ। ये तवा इतना ही साफ होगा क्योंकि मैंने पहले से इसको बहुत ही जला रखा है। कढ़ाई देखिए ये कितनी अच्छी साफ हुई है, जरा भी इसमें चिकनाहट नहीं है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है इसमें। दूध का बर्तन देखिए कितना साफ है, बहुत ही साफ है। ये सारे बर्तन मैं दिखाती हूँ आपको। ये शायद मैंने ठीक से रखा नहीं था इसलिए इसमें लगा रह गया। देखिए एकदम ड्राई क्लीन, सब कुछ बहुत ही क्लीन है। जैसे लग रहा है कि सारा बर्तन मैंने धो के इसमें डाला था, पर ऐसा नहीं है, आप लोगों ने देखा है। देखिए सारा बर्तन बहुत ही क्लीन है। तो मैं यही बोलूंगी दोस्तों कि आप लोग फ्री हैं इसको खरीदने के लिए, खरीदिए और यूज कीजिए। लेकिन इसका एक जो ड्रॉबैक है वो मैं बताऊंगी आपको। ये जितने भी नॉनस्टिक बर्तन होते हैं यूज करते करते इसका जो ये ब्लैक लेयर है, एनोडाइज्ड लेयर है, इसका कलर जाने लगता है। जैसे कि मैं आपको एक कुकर दिखाऊंगी, ये वाला कुकर मेरे पास एक और था। मैं अब ये कुकर नया खरीद के लाई हूं और मैं इसको डिशवॉशर में नहीं डालती हूं। एक दो बार ही मैंने डाला है, पर उसके बाद मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा एक सेम प्रेशर कुकर खराब हो गया डिशवॉशर में। उसका ये जितना भी कलर था ये वाइट हो गया और मुझे फिर वो ठीक नहीं लगने लगा, तो
मैंने प्रेशर कुकर ही बदल दिया, मैंने एक नया प्रेशर कुकर लेके आई, पर अब मैं ये प्रेशर कुकर को कभी भी डिशवॉशर में नहीं डालती हूँ। तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। डिशवॉशर में कोई कमी नहीं है, बर्तन बहुत साफ होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा मेरे को ये पेनफुल लगा क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर का ये कलर चला गया था और फिर मुझे किचन में वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो यही है रिव्यू, मैं इसको अब नहीं डालती और आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये डिशवॉशर है, बॉस की है। आप लोग भी, अगर आप लोगों को मेरा रिव्यू अच्छा लगा, आप लोगों को ये लगता है कि ये डिशवॉशर यूजफुल है, तो आप लोग भी खरीद के ज़रूर लाएं और अपने घर में यूज़ करें और अपने काम को थोड़ा आसान करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस इसमें पूछना हो या कोई ऐसा चीज़ जो कि मैं भूल गई हूँ इसमें बोलने के लिए और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है, तो आप लोग वो क्वेश्चन मेरे साथ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में देके, मैं उसका आपको ऑनेस्ट रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।